जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो इसको हम हेडिंग डालेंगे किस नाम से, एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन से। तो हेडिंग आप भी डाल लीजिए, हीट ऑफ कंबशन। HOC, हीट ऑफ कंबशन। इसका मतलब है क्या हीट ऑफ कंबशन का, पहले समझते हैं इसको। कोई भी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप देखते हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप देखते हो, CX HY, और उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आप, तो आपके पास क्या बनेगा, XCO2 प्लस Y/2 H2O। और आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x एटम है, तो यहाँ हमारे को लगाने पड़ेंगे 2, और यहाँ हमारे पास x प्लस y बाय 4, ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम यहाँ पर कंज्यूम होंगे इस पूरी रिएक्शंस में, या सुनो। तो हमारे लिए एक तरह से ये हाइड्रोकार्बन कंबशन कहलाता है, या सुनो। नाउ नेक्स्ट, यानी कंबशन का मतलब है क्या हमारे लिए, कंबशन का मतलब हमारे लिए है कि गिवन कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कंबशन की, और फिर आगे हम बात करेंगे कंबशंस। जल्दी से, ऑक्सीडेशंस ऑफ वन मोल कंपाउंड, देन लिबरेट हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशंस, हीट ऑफ कंबशंस। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशंस, प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशंस। ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट्स रहा हीट ऑफ कंबशन को लेकर, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो जब आप हीट ऑफ कंबशन देख रहे हो, तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, अलग अलग होगा। एक और चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीट ऑफ कंबशन डिपेंड मेनी पैरामीटर, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, उतना ही ज्यादा CO2 H2 बनेगा, उतनी ज्यादा हीट लिबरेट होगी, समझ में आ रहा है। दूसरा, अगर कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, यानी मॉलिक्यूल सेम है, उसके आइसोमर्स हैं, तो फिर उस कंडीशन में स्टेबिलिटी, तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड ऑलरेडी पहले लिबरेट कर चुका है क्या हीट, और अनस्टेबल कंपाउंड काफी हाइट पर है और ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा। इसको मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ये दो फैक्टर हैं जिससे आप हीट ऑफ कंबशन निकाल सकते हो एक मॉलिक्यूल के लिए। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये आपके पास एनर्जी डायग्राम है, और यहां पर आपके लिए प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये कंपाउंड है, आइसोमर है दोनों ही एक दूसरे के, ए और बी, कौन ज्यादा स्टेबल है, ए या बी, ए, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, पोटेंशियल एनर्जी, आप चाहें तो ये पोटेंशियल एनर्जी किलो जूल पर मोल में बात कर सकते हैं। तो यहां पर ए इज मोर स्टेबल, नीचे लिखना पड़ेगा, ए इज मोर स्टेबल देन बी, और जब आपके प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन है, तो सेम CO2 और H2 बनेगी,
और ये डेल्टा एच आपके लिए क्या कहलाएगी, हीट ऑफ कंबशन, डेल्टा एच फोर ए डेल्टा एच फोर बी कंब्यूशन, सी ओ एम बी का मतलब कंब्यूशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कौन सी ज्यादा होगी ए और बी में? आपको दिखाई दे रहा है इस जगह डेल्टा एच ए और डेल्टा एच बी में कौन ज्यादा है, डेल्टा एच बी। तो मोर स्टेबल कंपाउंड्स लिबरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट ऑफ कंबशन, ये दिमाग में अंदर तक बैठा के चलेंगे। अब हमारे पास ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल में तो बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी पे कैसे कमेंट करेंगे, उसके लिए आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशंस, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी और इंडक्टिव इफेक्ट जैसे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन लिबरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, पहले आप ये लिखिए फास्ट। हाँ बोलो, अब हम प्रैक्टिस करते हैं हीट ऑफ कंबशन पे। कुछ एग्जाम्पल है जिसपे आप डिस्कस करेंगे और हेडिंग डलेगा कंपेयर हीट ऑफ कंबशन फर्स्ट। आपके पास ये एक एल्कीन है, इन एल्कीन पे कमेंट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए आप इसका, आप मुझे बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन और तीन छह, सिक्स थ्री प्लस थ्री सिक्स अल्फा हाइड्रोजन। यह सुनो, एल्कीन के स्टेबिलिटी के लिए आप क्या देखते हो, सबसे पहले एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। आपका काम किससे चल गया यहां पर, हाइपर कॉन्जुगेशन में। रेजोनेंस दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं ना, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो यहां पर सिक्स अल्फा, यहां सिक्स अल्फा, यहां पर भी सिक्स अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर आपको कितने मिल रहे हैं, टू अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां तक तो क्लियर है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिए गए हैं ए बी सी डी में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, डी, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे क्या है, कम है। बाकी तीन में तो बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस जगह जहां बराबर है वहां हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे ये ट्रांस एल्कीन है। कैसा है ये, ट्रांस, और ये कौन सी है, सिस, पक्का। और यहां हमारे पास क्या हो रहा है, अगर आप इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जब मूवमेंट करेगी तो आपको क्या दिखाई देगा, वैसी ही एल्कीन मिलेगी। यानी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन यहां आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको क्या फील दिलाएगी, एक कदम आगे की फील दिलाएगी, यानी कि नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा जब दोनों के पास सेम अल्फा हाइड्रोजन हो। तो हमारे लिए ये ज्यादा जीतने में, मतलब इसका ज्यादा वेटेज होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, स्टेबिलिटी आप खुद देख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा बी का, फिर ट्रांस इफेक्ट होने की वजह से ए का, क्योंकि रिपल्शन कम होगा, आप खुद देखिए यहां पर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, फिर उसके बाद यहां रिपल्शन ज्यादा होगा बल्कि ग्रुप में। तो यहां बी के बाद ए, ए के बाद हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा यहां पर है स्टेबिलिटी ऑर्डर, गलत लिख दिया, सबसे ज्यादा यहां पर सी, फिर ए, फिर बी, और फिर सबसे कम कौन है, डी। तो हीट ऑफ कंबशन ऑर्डर क्या होगा, एच ओ सी, सबसे कम किसका होगा, एच ओ सी के लिए सी, फिर ए, फिर बी और डी, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है? तो अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सबसे एक दो तीन चार, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, ये वाली एल्कीन, फिर
ये, फिर और सबसे कम ये। तो जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है आपका डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच और यहां डेल्टा एच, तो बिल्कुल सही है आपके लिए। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 कौन ज्यादा होगा, दिख ही रहा है डायग्राफ में, एनर्जी वर्सेस यहां प्रोडक्ट बन रहे होंगे, और प्रोडक्ट सब में क्या बनेंगे, CO2 प्लस H2। तो ये आपका हीट ऑफ कंबशंस एक एग्जांपल हो गया है। अच्छे समझ में आ गया है? एक और एग्जांपल है जो हमसे डिस्कस किया जा रहा है, हीट ऑफ कंबशन या फिर कैलोरीफिक वैल्यू। बात सही है कि अगर जो ज्यादा कंबशन हीट रखेगा, ज्यादा लिबरेट रखेगा, उसके लिए कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कैलोरीफिक वैल्यू की क्या डेफिनेशन होगी, लिबरेटेड हीट बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, और हीट ऑफ कंबशन क्या है, लिबरेटेड हीट बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो जिसके लिए HOC की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर हमें देखना पड़ेगा ये कि स्टेबिलिटी क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन तो सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है, इन सब में ये सब एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। तो ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो पहले बताइए क्या रेजोनेंस है, नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके लिए, दो, और एक तीन, बस 3 अल्फा हाइड्रोजन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम बात है, दो इसके लिए और एक इसके लिए, तीन। यहां क्या दिखाई दे रहा है, रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, प्लस अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो और एक तीन, ये इसके लिए और ये इसके लिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यस और नो। यहां देखिए क्या रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, हाँ रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपस में कॉन्जुगेशन में है। और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो और दो चार, 4 अल्फा हाइड्रोजन, दो इसके पास दो इसके पास, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है चलने दीजिए। अब इस तरफ देखिए कोई रेजोनेंस नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन दो दो चार दो छः, दो दो चार दो छः, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दो इसके पास दो यहां पर और दो यहां पर, सही है, बात समझ में आ रही है। तो इनमें अगर हमारा नंबरिंग दिया जा रहा है ए बी सी डी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से बताइए आंसर, स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, सी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद डी, और सबसे कम ए। क्या मैं सही हूं, हाँ या ना? तो अगर मैं यहां पर सही हूं तो फिर मेरे को हीट ऑफ कंबशंस HOC बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और HOC का सही ऑर्डर क्या होगा, सी सबसे कम, फिर बी उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा डी, और उससे ज्यादा ए। आ रही है बात समझ में, तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है, कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जाम्पल आपके लिए मैं दे सकता हूं, देखिए ध्यान से, ये आपके पास बेंजीन है, दूसरी तरफ और तीसरी तरफ, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। फोर्थ एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं हम, इनमें हीट ऑफ कंबशन का कंपेयर करना है। कंबशन
कंपेयर एचओसी, कंपेयर एचओसी, देखिए हो ये रहा है कि क्या यहां रेजोनेंस है, हाँ यहां रेजोनेंस है और अच्छा खासा रेजोनेंस है, इसका इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी, यहां इसका इसके साथ है, लेकिन ये सीक्वेंस रेजोनेंस है। ये कैसा रेजोनेंस है? कंटिन्यू सीक्वेंस। तो सीक्वेंस रेजोनेंस, यहां कौन सा रेजोनेंस है? ये इसके साथ होता है तो इसके साथ नहीं होता, ये इसके साथ होता है तो ये नहीं है, तो ये है क्रॉस रेजोनेंस। यहां क्या है? यहां एरोमेटिसिटी है और यहां पर भी एरोमेटिसिटी है। तो एरोमेटिसिटी है, क्रॉस रेजोनेंस है। ये हमारे स्ट्रक्चर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसका मतलब एरोमेटिसिटी होने की वजह से ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे ही होंगे पक्का। और फिर उसके बाद सीक्वेंस रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू क्रॉस। समझ में आ रही है बात? तो यहां हमारी लड़ाई किसके लिए? इन दोनों एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, इन दोनों एरोमेटिक कंपाउंड में। इसमें बल्कि ग्रुप बहुत पास है, किसमें? इसमें। समझ में आ रहा है? बल्कि ग्रुप पास है, ठीक है। तो बताइए कैसे आप देखोगे यहां? तो काम की बात यह कि अगर हम सबसे पहले देखते हैं वापस कि अल्फा हाइड्रोजन दोनों में क्या है, सेम है, तीन और तीन, यहां पर भी तीन तीन, ये तीन इसके लिए हो जाएंगे, ये तीन इसके लिए हो जाएंगे अल्फा पोजीशन पे, या सॉरी वहां पर इसी के लिए दोनों तीन तीन हो जाएंगे और थोड़ा सा रिपल्शन भी होगा। एरोमेटिसिटी बराबर है, रेजोनेंस भी बराबर है, सारे फैक्टर बराबर है, तो मैं ये मानूंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी डी और ए का लगभग लगभग बराबर है, लेकिन अगर बात आ रही है कौन ज्यादा स्टेबल है तो ए डी, फिर उसके बाद सी और फिर उसके बाद बी। तो हीट ऑफ कंबशन आपके पास ए के लिए सबसे कम, फिर डी, फिर सी और फिर बी। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हीट ऑफ कंबशन या कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कम होती है, इसीलिए वो धुएं के साथ जलते हैं, उनमें धुआं होता है, बहुत आसानी से नहीं जलते जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह जलता है, ठीक है। जो मिनरल ऑयल है जिसमें पेट्रोल डीजल इजीली जलने वाले होते हैं, नीचे होता है डंबर जिसे बोलते हैं डामर, ठीक है, वैक्स, इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत धुएं के साथ जलते हैं। डामर को कभी जलते हुए देखा है? कितना धुआं के साथ जलता है, बिल्कुल रबड़ जैसी तरह होता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एरोमेटिसिटी बहुत की वजह से हीट ऑफ कंबशन क्या है, बहुत कम है, तो इतना प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाता जितना पेट्रोल और डीजल का होता है, केरोसिन का होता है। क्लियर है? लिखें।